जुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम घर पर बनाएंगे फ्रेश पनीर। पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लिया है। इस दूध को हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और इसे हम बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि दूध के ऊपर जो है मलाई ना जमे। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है, अभी हम गैस को धीमी कर देंगे। यहाँ पर दूध को फाड़ने के लिए मैंने 2 नींबू का रस लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे और इसमें हम 1/2 नींबू का रस डालकर चम्मच से हम इसको कुछ देर चलाते रहेंगे। तो देखिए दूध हमारा फटना शुरू हो गया है, तो अभी हम बचा हुआ नींबू का रस भी इसमें डालकर इसको हम इसी तरीके से देर चलाते रहेंगे। यहाँ पर दूध हमारा अच्छे से फट गया है, तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। तो इसको छानने के लिए मैंने यहाँ पर छन्नी में 1 कॉटन का कपड़ा लगा लिया है। आप इस पनीर के पानी को जो है फेंकिए मत। इस पनीर के पानी से अगर आप दाल बनाएंगे तो आपकी दाल जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसका पानी जो है अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। अभी हम इसको साफ पानी से 2 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए। और एक बार दूसरे पानी में डुबाते हुए पनीर को अच्छे से धो लेंगे और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का प्लेट लिया है, इसके ऊपर मैंने 1 छोटा प्लेट रख दिया है। अभी हम पनीर को इसके ऊपर रखकर अच्छे से सेट कर लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल आएगा। अभी हम इसके ऊपर 1 दूसरा प्लेट रख देंगे। अभी हम इसके ऊपर कोई भी भारी चीज रख कर इसको हम दबा देंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो का ये चीनी का डिब्बा रखा है, इसको हम 2 घंटे के लिए रख कर छोड़ देंगे ताकि पनीर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको रखे हुए 2 घंटा हो गया है, अभी हम हमारे पनीर को चेक कर लेंगे। तो देखिए पनीर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। घर पर जो है पनीर बनाना बहुत ही आसान है, तो अभी हम इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये पनीर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।